नमस्कार, टाइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत, खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। एंटी भू माफियाओं के विरुद्ध प्रदेश का पहला धरा नाम का ऐप मुजफ्फरनगर में लॉन्च। पीएम मुजफ्फरनगर सेल्वा कुमारी जी ने किया एंटी भू माफिया के विरुद्ध ऐप लॉन्च। शासकीय व ग्राम सभा की जमीन की होगी ऐप के जरिए निगरानी। पुलिस को भी होगा जमीन से संबंधित शिकायतों में लॉन्च हुए ऐप का लाभ। धरा ऐप में तहसील से उपलब्ध राजस्व ग्रामों के डिजिटल नक्शे को भी इस सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। धरा ऐप के जरिए सरकारी भूमि पर किए जाने वाले बेनामों पर रोक लगेगी। मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने प्रेस वार्ता कर ऐप के बारे में जानकारी दी। धरा ऐप की प्रेस वार्ता में जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जी, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एडीएम फाइनेंस आलोक कुमार, एमडीए सचिव महेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। धरा सॉफ्टवेयर भू माफिया के खिलाफ जो हम लोगों का लगातार जो प्रयास रहता है, जिला प्रशासन का, पुलिस का और सभी डिपार्टमेंट्स का, उसको लेकर के ये ऐप लॉन्च हुआ है। हम लोगों ने ये बनाया सॉफ्टवेयर, इसको मेनली ये है कि सरकारी लैंड जितने भी हैं हम लोग इसमें फीडिंग करेंगे, जियो फेंसिंग करके उसमें फीडिंग करेंगे। लेयर्स रहेगा उसमें, और उसमें जब भी कोई इनक्रोचमेंट ड्राइव्स या कुछ भी होता है, जो कब्जा मुक्त हो रहे हैं, सिविल केसेस है, जो इनक्रोचर है, ये डेटा, बेसिक डेटा फीड करेंगे, ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, पब्लिक हो, जो भी जाएंगे, कोई खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे मौके पे 1 किलोमीटर के आसपास जहाँ पे भी है उसके लैट लॉन्ग क्लिक करके दे कैन चेक वेदर जो लैंड जहाँ पे वो है वो सरकारी है कि नहीं है। क्या बेनिफिट होगा इससे? अननेसेसरी जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे किसी ने धोखा दे करके सरकारी लैंड बेच दिया, वो नहीं होगा। और दूसरा, पब्लिक जो उस गांव को छोड़ के अन्य गांव के लोगों को पता नहीं रहता है कि वो गांव, उस लैंड का नेचर क्या है। कई बार तालाब भी भर जाता है, मिट्टी भर जाता है, तो पता ही नहीं चलता मौके पे वो लगता है तालाब। और दूसरा है, पट्टे का पेपर्स नहीं रहते हैं, बट कोई पट्टा कह के बेच देते हैं। इस तरह के जो अननेसेसरी जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस पब्लिक का होता है और फ्रॉड हो जाता है और पैसा लगा के उनके साथ धोखा होता है, उसका भी ये सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल रहेगा। मैम, प्रदेश में क्या पहले भी कहीं लॉन्च हो चुके? नहीं, ये पहला है, हम लोगों का प्रयास पहला है, हमारा प्रयास पहला है। मैडम,